लोकसभा से भी हंगामे के बीच ही जम्मू कश्मीर का यूनियन बजट पास हुआ था। उसके बाद राज्यसभा उस बजट को पास करने के लिए भेजा गया। बिना चर्चा के ही राज्यसभा में भी ये बजट पास हो गया और इसे लोकसभा में वापस भेज दिया गया है। अब विस्तार से इस पर चर्चा के बाद आपको बता दें कि ये बजट लागू हो जाएगा, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा में भी भारी हंगामे के बीच ये बजट पास हो गया है। और इस बीच बात एक और बड़ी खबर की, कोविड 19 की तैयारियों पर बैठक होनी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव इस बैठक की समीक्षा करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है, आज शाम करीब 4 बजे ये बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं राजेश भूषण की, राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ ये बैठक होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। कोरोना की ताजा स्थिति पर तमाम जानकारियों के लिए ये बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है, आज शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की समीक्षा में ये बैठक होनी है। जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोविड एक बार फिर से दस्तक देने के कगार पर है और 24 घंटे के अंदर 1500 से भी ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी के मद्देनजर एक अहम बैठक रखी गई है, आज शाम करीब 4 बजे ये बैठक होनी है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी फराह का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ी हुई है। फराह, लगातार बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना एक बार फिर से हमारे देश में दस्तक दे चुका है। जिस तरीके से लगातार केसेस में वृद्धि हो रही है और इसी के मद्देनजर आज शाम 4 बजे एक अहम बैठक रखी गई है। क्या कुछ मुख्य एजेंडा है इस बैठक का, क्या अतिरिक्त जानकारियां मिल पाई है इस बैठक के हवाले से? फराह, जसवंत, तेजी से जो है रफ्तार जो है वो बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 1508 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 10,000 के पार हो गई है और हफ्ते भर में 78% जो है वो मामले बढ़े हैं। तो साफ तौर पर जो बैठकों का दौर है वो जारी है। अभी कुछ दिन पहले पीएम ने हाई लेवल मीटिंग की थी और उसके बाद जो है स्वास्थ्य सचिव ने दोबारा से मीटिंग की थी और आज 4 बजे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो मीटिंग हो रही है। और आपको बता दूं कि देश भर में 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को मॉकड्रिल होनी है, जिसको लेकर इसमें चर्चा होगी। इसमें जो है राज्यों के सारे हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो शामिल होंगे। देखिए, पूरी तरीके से सरकार जो है वो अलर्ट पर है और जो है उनका इरादा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो तैयारियां की जाए ताकि कोई भी स्थिति जो है वो खराब होती ना नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बढ़ गई है। देखिए, जो अभी इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें भी राज्यों को जो है वो चिट्ठी लिखी गई थी और उन्हें निर्देश दिए गए थे। वहीं अगर हम मॉकड्रिल की बात की जाए तो साफ तौर पर राज्यों को पहले से टाइम दे दिया गया है और उन्हें बार बार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द वो तैयारी कर लें, ताकि चाहे वो बेड्स को लेकर बात हो, वेंटिलेटर्स को लेकर बात हो, चाहे वो दवाइयों के लेकर बात हो, और टेस्टिंग पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है तो वो सारी चीजें उपलब्ध चाहिए। तो इन सारी चीजों की समीक्षा की जाएगी। आज सारे हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं वो 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और अपनी अपनी जो है चीजें बताएंगे कि राज्य में क्या क्या चीजें हैं और किन चीजों की तैयारी जो है वो अभी होनी है। देखिए, दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़े और दिल्ली में कल सरकारी अस्पतालों में मॉकड्रिल हुई है। तो जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और एक्टिव संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर जो है वो तैयारियां जो है वो अभी से पूरी कर दी गई है। तो 10-11 तारीख को सारे अस्पतालों में ये मॉकड्रिल होगी और उसी को लेकर जो है वो तैयारियां जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोरोना का जो ये वेरिएंट है, ये जिस तरीके से वो बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, उसके केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, अभी पिछले हफ्ते की बात करें तो 1000 तक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब 1800 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और पिछले हफ्ते जो है वो एक्टिव संख्या 7,000 के आसपास हुई थी, वो 10,000 के आसपास चली गई है। तो ये ज्यादा जो है वो चिंता लोगों के लिए भी है और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा भी जो है वो तेजी से फैल रहा है और इन दोनों के लक्षण बिल्कुल एक जैसे हैं। तो लोगों को जो है वो एहतियात बरतनी है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, क्योंकि जहां पर ये सबसे ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं, जिन राज्यों में पाए जा रहे हैं, वहां पर ये कह दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, टेस्टिंग ज्यादा हो, मॉनिटरिंग ज्यादा हो, और इसीलिए बार बार जोर दिया जाए
कि अगर टेस्टिंग होगी उसके बाद जीनोम सिक्वेंसिंग होगी, जिससे अभी तक पता चल पा रहा है कि जो कौन सा वेरिएंट है। देखिए XBB 1.16 जिसके केसेस सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और यही जो है वो चिंता सबके लिए खड़ी कर रहा है। तो इसी को लेकर पूरी तैयारियां हो रही है, और आज जो 4 बजे बैठक होगी उसके बाद जो है वो राज्यों को निर्देश दे दिए जाएंगे कि मॉकड्रिल से पहले पहले सारी तैयारियां पूरी करनी है और पहले से तैयार होना है, ताकि कोई भी अगर ऐसी स्थिति होती है, इसके मामले और अधिक बढ़ते हैं, तो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हुआ जाए। जी बिल्कुल फरहान, तैयारियां अभी से प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, और अलग अलग राज्यों को भी निर्देश देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज ये बैठक होगी। लेकिन कोविड के साथ साथ H3N2 वायरस भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों के सिम्टम लगभग सिमिलर है। ऐसे में कैसे बाइफिकेट किया जाए, इसको लेकर भी क्या स्वास्थ्य महकमे ने अलग अलग गाइडलाइंस जारी की है। जाहिर सी बात है जो वेरियंट इस वक्त कोविड का आया है वो बहुत घातक है एज कंपेयर टू H3N2 वायरस, जिसमें सर्दी जुकाम जैसे लक्षण है। तो क्या जो वहां पर मरीज है अस्पतालों में उनको किस तरीके से अलग वार्ड में रखा जाएगा, या फिर जो आइसोलेशन है वो किस तरीके से करनी है, क्या इस तरीके की भी कोई गाइडलाइंस या नोटिफिकेशंस जारी की गई है अभी तक? देखिए जैस्मिन, H3N2 चार प्रकार के होते हैं, और इस टाइम जो अभी जो इन्फ्लुएंजा के जो चार प्रकार हैं उसमें से सबसे ज़्यादा H3N2 और H1N1 जो है वो सबको परेशान कर रहा है, और इसके लक्षण बिल्कुल कोविड जैसे हैं। इसमें भी जो है तेज़ बुखार आता है और खांसी होती है, और लोगों को जो है वो बॉडी में पेन होता है, इसलिए बीच में जो लोग हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, अपने लक्षणों को नहीं समझ पा रहे थे, और उसके बाद जो है वो फ्लू टेस्टिंग कराई तो उसके बाद कोविड के मामले भी बढ़ने लगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लोगों को परेशान कर रही थी, क्योंकि बीच में कोविड की टेस्टिंग नहीं हो रही थी और लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो 10-10 दिन तक दवा ले रहे हैं उसके भी वो ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको लेकर भी जो है वो राज्यों ने निर्देश दिए। देखिए अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में XBB 1.16 के 105 मामले अभी तक पाए गए थे, और H3N2 से भी वहां पर मौतें हुई हैं। तो जो राज्यों में H3N2 का प्रकोप है, कोविड का प्रकोप है, वहां पर पहले से ही निर्देश दे दिए जा चुके हैं, और ये कहा जा चुका है कि जैसे ही लोगों को लक्षण महसूस हो तो वो खुद से दवाइयों का सेवन ना करें। देखिए बार बार ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग जो है वो एंटीबायोटिक्स का सेवन बहुत कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो नहीं करना, और डॉक्टर्स को जो है वो कंसल्ट इसलिए करना है क्योंकि देखिए इन दोनों में थोड़े से डिफरेंस होते हैं। जैसे अगर हम कोविड की बात करें तो उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उसमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वही अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करें तो उसमें बॉडी फीवर और बॉडी एक और फीवर जो है वो ज्यादा परेशान करता है। तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, और जल्द से जल्द फ्लू पैनल कराना जरूरी है ताकि समझ में आए कि ये कोविड है या ये इन्फ्लुएंजा है। और इसके लिए भी जो है वो गाइडलाइंस जारी है, लोगों को कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा अब मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से उसी तरीके से बचाव हो सकता है जैसे अब तक हम कोविड से करते आ रहे थे, क्योंकि इसके लिए भी बार बार यही कहा जा रहा है जैसे ये फैलता है वैसे ही इसका बचाव जो है वो रोक सकता है। जी बिल्कुल फरा, और सिचुएशन क्रिटिकल हो उससे पहले ही स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है, और इसी के मद्देनजर जी जो है वो एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। आज शाम 4 बजे भी एक अहम बैठक है, फरा नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।